प्रीवियस वीडियो में आपने देखा था कि कैसे हमने चैट जीपीटी की हेल्प से अपने लैपटॉप में गेम बनाकर साथ में उसे मोनेटाइज करके मनी अर्निंग करने की प्रोसेस को समझा था। लेकिन आज कुछ हम इंटरेस्टिंग करेंगे। आज हम अपने एंड्रॉइड डिवाइस में एक मजेदार गेम बनाकर उसे मोबाइल एप्लीकेशन में कन्वर्ट करेंगे। सोचिए, बिना किसी लैपटॉप और बिना किसी प्रोफेशनल टूल के आप अपने मोबाइल पर गेम बनाकर उसे लॉन्च कर सकते हैं, और ये उतना ही आसान है जितना आपको लगता है। तो अगर आप भी अपने आइडिया को गेम में बदलना चाहते हैं तो इस वीडियो के एंड तक बने रहिए। तो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, लेट्स स्टार्ट। तो गेम क्रिएट करने से लेकर मोबाइल एप्लीकेशन में कन्वर्ट करने तक मैं आपको स्टेप बाय स्टेप गाइड करूंगा। तो हमारा फर्स्ट स्टेप है रिक्वायरमेंट्स, मतलब आपको अपने डिवाइस पर क्या क्या चाहिए होगा। तो फर्स्ट है चैट जीपीटी एप्लीकेशन, सेकंड कोड एडिटर, एंड थर्ड वेबसाइट टू एपीके। आपको ये दोनों एप्लीकेशन प्ले स्टोर पर मिल जाएंगे, बट ये थर्ड एप्लीकेशन आपको मेरे टेलीग्राम चैनल से ही मिलेगा, और ये इस एप्लीकेशन को मैंने ही क्रिएट किया है। अब इसका क्या यूज़ है इसे हम आगे जानेंगे। अब चलते हैं स्टेप टू पे, जिसमें हम अपने गेम को क्रिएट करेंगे। स्टेप टू, तो गेम क्रिएट करने के लिए सबसे पहले आपको एक यूनिक गेम आइडिया को फाइंड कर लेना है। यूनिक नहीं करना चाहते तो आप चैट जीपीटी से भी इसके बारे में पूछ सकते हैं, या प्ले स्टोर पर जाकर देख सकते हैं। आपको बहुत सारे गेम्स मिल जाएंगे जिससे कि आपको अपने गेम क्रिएट करने का आइडिया मिल जाएगा, और उसका आपको एक प्रॉम्प्ट बना लेना है। प्रॉम्प्ट बनाना नहीं आता तो मैं आपको सिखा दूंगा किसी और वीडियो में डिटेल में, कि कैसे आप चैट जीपीटी से किसी भी चीज़ के लिए प्रॉम्प्ट कैसे बनवा सकते हैं डिटेल में। सो मैंने अपने गेम का ऑलरेडी एक प्रॉम्प्ट बनाया हुआ है, मैंने नोट पर उसे पेस्ट कर लिया था। सो यहाँ से आप सिंपली कॉपी करेंगे और आ जाएंगे अपनी चैट जीपीटी की एप्लीकेशन पर। बेसिकली मैंने एक टिक टैक गेम क्रिएट करने का प्रॉम्प्ट बनाया हुआ, जिसे आप लोग हिंदी में शायद जीरो कट्टम भी कहते हों। तो मैंने यहाँ पर इस प्रॉम्प्ट को पेस्ट कर दिया है। अब इसके बाद यहाँ सेंड वाले बटन पर क्लिक करेंगे। सो चैट जीपीटी हमारे लिए HTML, CSS एंड JavaScript कोड जनरेट करना स्टार्ट कर देगी। सो इसमें थोड़ा टाइम लग जाएगा, तो वेट कर लेते हैं जब तक हमारा कोड जनरेट हो जाता है। मैं आपको फास्ट फॉरवर्ड करके दिखा देता हूँ। सो हमारी गेम का कोड सक्सेसफुली जनरेट हो गया है। यहाँ से इसे सिंपली कॉपी कर लेंगे, और ये प्रॉम्प्ट आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन पे मिल जाएगा। आप यही गेम क्रिएट करना चाहते हैं तो इस प्रॉम्प्ट का यूज़ कर सकते हैं। इसके बाद हम ओपन कर लेंगे कोड एडिटर को, लिंक इसकी आपको डिस्क्रिप्शन पे मिल जाएगी इस कोड एडिटर की। अब इसके बाद यहाँ थ्री लाइन्स पर क्लिक करना, इस पर क्लिक करना, और यहाँ प्रोजेक्ट्स पर क्लिक करना। यहाँ प्लस वाले बटन पर क्लिक करके यहाँ HTML प्रोजेक्ट को सिलेक्ट करके क्रिएट कर लेना। अब इसके बाद यहाँ पर वापस से थ्री लाइंस पर क्लिक करना, index.html को सिलेक्ट करना। इसके बाद डबल टैप करना कोड पर, और यहाँ से फुल सिलेक्ट करके डिलीट कर देना। अब इसके बाद होल्ड करके रखना और यहाँ से पेस्ट कर देना। अब यहाँ कॉर्नर में आपको रन बटन दिखेगा, इस पर सिंपली क्लिक करना। सो हमारी गेम का आउटपुट दिखना स्टार्ट हो जाएगा। अभी हमारा गेम कुछ इस तरह दिख रहा है, इसे डेस्कटॉप साइट से हटा के नॉर्मल साइट पर कर लेते हैं। सो अभी हमारा गेम कुछ इस तरह दिख रहा है, बट ये बहुत ही बोरिंग यूज़र इंटरफेस है। इसे हम और इन्हेंस कर लेते हैं चैट जीपीटी की हेल्प से। अभी ये वर्किंग है, बट इसका यूज़र इंटरफेस इतना अच्छा नहीं है, सो इसे और इन्हेंस कर लेते हैं। तो गेम को इन्हेंस कर देने के बाद और कुछ इम्प्रूवमेंट कर देने के बाद अब हमारा गेम कुछ इस तरह दिख रहा है। सबसे पहले हमारी गेम की लोडिंग स्क्रीन ओपन होगी, इसके बाद हमारा गेम ओपन होगा, जिससे कि यूज़र एक्सपीरियंस अच्छा हो जाएगा। साथ में इसका बैकग्राउंड का कलर चेंज होता रहेगा, जिससे कि ये और इंटरेस्टिंग और इंगेजिंग गेम बन जाएगा। और इसे और इंटरेस्टिंग इंगेजिंग बनाने के लिए आप इस पर साउंड इफेक्ट और बैकग्राउंड म्यूजिक का भी यूज़ कर सकते हैं। अब जैसे ही हम बिन होंगे तो यहाँ पर पॉपअप शो करेगा, और रिस्टार्ट गेम का बटन भी होगा, और यहाँ से प्ले पॉज भी कर पाएंगे। और इसे इंटरेस्टिंग बनाने के लिए आप और भी फीचर फंक्शनैलिटीज़ का यूज़ कर पाएंगे। सो आप करना चाहे तो कर सकते हैं, बाकी मैं आपको अब बताता हूँ कि इसे आप मोबाइल एप्लीकेशन में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं अपने एंड्रॉयड मोबाइल का यूज़ करके। सो हमारा ये जो गेम है ये सिंगल HTML कोड में बना है, सो बाकी फाइल्स का कोई यूज़ नहीं है। यहाँ से आके इनको डिलीट कर देते हैं। JavaScript का यूज़ नहीं है, ना ही CSS का, बिकॉज दिस सिंगल कोड टू मेक दिस ऐप। इसके बाद हम यहाँ अब इसकी जिप फाइल को एक्सपोर्ट कर लेंगे। सो इसके लिए वापस से यहाँ पर क्लिक करेंगे, प्रोजेक्ट्स पर आएंगे, और इसे ये रहा हमारा प्रोजेक्ट। यहाँ थ्री डॉट्स पर क्लिक करेंगे,
यहाँ पर क्लिक करेंगे एक्सपोर्ट जिप और यहाँ से इसे डाउनलोड कर लेंगे। अब आएंगे अपने फाइल मैनेजर पर और इस फाइल को फाइंड कर लेंगे जो कि हमारी मेन फाइल है। ये रही, इसे हटा देते हैं, इसका कोई यूज़ नहीं है। हाँ, ये रही हमारी वो फाइल, यहाँ से इसे एक्सट्रैक्ट कर लेते हैं। सो ये रही हमारी HTML की मेन फाइल जो कि हमारा गेम है। अब चलते हैं स्टेप 3 की ओर, जिसमें हम इस गेम फाइल को एक मोबाइल एप्लीकेशन में कन्वर्ट करेंगे। तो सबसे पहले आपको ओपन कर लेना है ब्राउज़र और सर्च बार पर आकर सर्च करना है इन्फिनिटी पोस्ट। इसके बाद आपको इस वाली वेबसाइट पर आ जाना है infinityfree.com। इसके बाद रजिस्टर नाउ पर क्लिक करके अपना अकाउंट क्रिएट कर लेना है। मेरा ऑलरेडी इस वेबसाइट पर अकाउंट एग्जिस्ट करता है। बेसिकली ये वेबसाइट फ्री होस्टिंग प्रोवाइडिंग वेबसाइट है, जिसमें हम अपने गेम को होस्ट करेंगे। अभी होस्ट क्यों करना है इसे हम आगे जानेंगे। सबसे पहले इस पर लॉगिन कर लेते हैं। जब आप फर्स्ट टाइम इस वेबसाइट पर लॉगिन करेंगे और अपने डोमेन नेम रजिस्टर करेंगे, तो आपको कुछ इस तरह का इंटरफेस देखने के लिए मिल जाएगा। सो आपको सिंपली यहाँ फाइल मैनेजर पर क्लिक करना है, इस सेकंड वाले ऑप्शन पर। इसके बाद फाइल मैनेजर ओपन हो जाएगा। फाइल मैनेजर ओपन हो जाने के बाद आपको यहाँ पर कुछ अनवांटेड फाइल्स मिलेंगी, उन्हें यहाँ पर सिंपली डिलीट कर देना है। सिर्फ इस फोल्डर को छोड़कर सिर्फ आपको इसी फोल्डर को रहने देना है। इस पर डबल टैप करके इसे ओपन कर लेना है। इसके बाद यहाँ आपको बॉटम में देखना है, यहाँ अपलोड बटन का अपलोड आइकन होगा, यहाँ पर सिंपली क्लिक करना है। अपलोड फाइल पर क्लिक करके सिंपली उस HTML फाइल को अपलोड कर देना है। यहाँ पर ये रही हमारी फर्स्ट नंबर पर, इसे सिलेक्ट करके यहाँ से अपलोड कर देते हैं। सो हमारी फाइल सक्सेसफुली अपलोड हो गई है। यहाँ से एक बार रिफ्रेश करके देख लेते हैं, हाँ अपलोड हो गई है। अब बैक आ जाते हैं और अपने डोमेन नेम पर चेक करते हैं कि हमारा ये गेम होस्ट हो गया है कि नहीं। सो आप देख सकते हैं ये सक्सेसफुली हमारे डोमेन नेम पर गेम रजिस्टर हो गया है, होस्ट हो गया है सॉरी, और फुल्ली वर्किंग है। अब इस URL को सिंपली कॉपी करेंगे और इसके बाद आपको इस एप्लीकेशन को इंस्टॉल कर लेना है। लिंक आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी, जिसे मैंने ही बनाया है। तो इसके बाद इस एप्लीकेशन को सिंपली ओपन कर लेना है। इसके बाद अपने ऐप का नेम जो भी आप देना चाहे यहाँ पर टाइप कर सकते हैं। लाइक मैं यहाँ पर इसका नेम, गेम का नेम देने के बाद आप चाहे तो पैकेज नेम यहाँ पर चेंज कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंग, जो भी देना चाहे। सो यहाँ पर इसका नेम लास्ट गेम दे देते हैं। इसके बाद हमने जो URL कॉपी किया था वो यहाँ पर सिंपली पेस्ट कर देना है। अभी बेसिकली ऐप करता ये है कि आपकी जो URL है उसे मोबाइल एप्लीकेशन में कन्वर्ट कर देता है। अपने जो कुछ भी यहाँ पर डिटेल देंगे उसके अकॉर्डिंग एक मोबाइल एप्लीकेशन में कर देगा। बेसिकली वो आपके URL को एक मोबाइल पर रन कर देगा, वो भी फुल स्क्रीन में। इसके बाद आप चाहे तो वर्जन डालना चाहे तो डाल सकते हैं। तो हमारा फर्स्ट गेम है, सो हम यहाँ पर एक ही रहने देंगे। इसके बाद आप आइकन भी सिलेक्ट कर सकते हैं अपने ऐप का। सो मैंने एक ऑलरेडी डाउनलोड किया था, सो मैंने यहाँ पर सिलेक्ट कर दिया। अब जैसे ही यहाँ पर राइट वाले बटन पर क्लिक करेंगे, सो हमारी APK फाइल जनरेट होनी स्टार्ट हो जाएगी। सो हमारी APK फाइल जनरेट भी हो गई है और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि वो कहाँ पर एक्सपोर्ट हुई है। सो आप यहाँ से उसे डाउनलोड भी कर सकते हैं या यहीं से डायरेक्ट इंस्टॉल भी कर सकते हैं। सो हमारी APK फाइल सक्सेसफुली इंस्टॉल हो गई है। अब इसे ओपन करके देखते हैं, तो आप देख सकते हैं हमारी गेम सक्सेसफुली वर्किंग है। तो इस तरह से आप अपने एंड्रॉयड डिवाइस पर कुछ स्टेप्स को फॉलो करके अपना खुद का गेम क्रिएट कर सकते हैं। आई होप आपको वीडियो से कुछ नया सीखने को मिला हो। तो प्लीज़ लाइक के बटन को दबाना ना भूलें और ऐसी कंटेंट देखने के लिए इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।